हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन सा बॉडी लोशन बेस्ट है हमारे लिए, मतलब कि कौन सा बॉडी लोशन हमारी स्किन को लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रखता है। और ये सब हम जानेंगे सारे टेस्टिंग और सबूतों के साथ, क्योंकि आज हमारे पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के बॉडी लोशन है जो कि दावा करते हैं कि आपके स्किन को लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज करते हैं। पर अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप इनमें से कौन सा बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं, मुझे कमेंट करिएगा। और बेसिकली हम अभी इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे दें आइडिया, एक काम करते हैं, हम गूगल पे चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा आप लोग कौन सा बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है कि सबसे ज्यादा निव्या प्लस वैसलीन का इस्तेमाल किया जाता है इन सारे ब्रांडों में से। तो ये जो कॉमन है, मतलब जो सबसे ज्यादा सेलिंग या सबसे ज्यादा बाय करने वाले ब्रांड हैं, पहले निव्या देन वैसलीन। तो इन दोनों में से आज हम चेक करेंगे कि कौन सा बॉडी लोशन अच्छा है, कौन सा बॉडी लोशन आपके स्किन पे लंबे टाइम तक स्टे करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को ज्यादा। वो कैसे चेक करेंगे अभी भी दिमाग में आता है, और मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन भी है। तो हमारे पास एक आइडिया है, तो आइडिया ये है कि हमारे पास है यहाँ पे डिजिटल मॉइस्चर मॉनिटर जो हमारे स्किन पे कितना मॉइस्चर है, कितना हाइड्रेशन है, ऑयल है आपके स्किन पे, वो डिटेल में बताता है। तो इस मॉनिटर के जरिए आज हम मेजर करके बताएंगे आपको कि आप इन दोनों में से निव्या और वैसलीन में से कौन सा सबसे बेस्ट है हमारे ड्राई स्किन के लिए। तो यहाँ पे पहले छोटी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अनबॉक्सिंग में हमने देखा कि हमें एक मिलता है रीड करने के लिए जो बुक होती है, बुकलेट, उसमें सारी डिटेल में दिखाया गया होता है कि क्या कैसे इस्तेमाल करना है सारी चीज़ें। एंड प्लस ये आता है मॉनिटर जिससे हम मॉनिटर करते हैं अपने स्किन पे मॉइस्चर और हाइड्रेशन को। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ आपको? ये मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, सारी चीज़ों का लिंक दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं सारे मॉइस्चराइजर। और प्लस ये इक्विपमेंट जो यहाँ मैंने इस्तेमाल किया, इन सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अमेजोन के साइट पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, सारी बॉडी लोशन एंड प्लस ये मॉनिटर भी आपको वहाँ मिल जाएगा। और डिटेल में कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरूर बताइएगा, मैं इस मॉनिटर के ऊपर डेफिनेटली आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये होता है मॉनिटर जो कि हमारे स्किन पे लगाया जाता है। पावर ऑन और ऑफ का बटन एक ही है, इसे प्रेस करने से पावर ऑन ऑफ होता है। इस तरीके से इसको अपने स्किन पे लगा करके अपने स्किन का मॉइस्चर चेक करते हैं कि ऑयलिंग कितनी है, मॉइस्चर कितना है आपके स्किन और हाइड्रेशन कितना है आपके स्किन पे। एंड यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन दी जिसमें हमें सारी चीजें क्लियरली दिखेंगी कितना हमारा ऑयलिंग और हाइड्रेशन मॉइस्चराइज। यहाँ पे रहे हमारे दोनों हैंड, इन दोनों हैंड पे आज हम दोनों चीजों को ट्राई करेंगे, निव्या प्लस आपका वैसलीन। पहले क्या करेंगे, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और चेक यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन से हाथ पे कौन सी क्रीम लगाई थी, वरना हम भूल जाएंगे। यहाँ निव्या के लिए हमने यहाँ पे निव्या लिख दिया, और जब हम दूसरे हाथ में वैसलीन के लिए वी लिखेंगे। वैसे तो मेरा ये लेफ्टी हैंड है, बट मैं ट्राई करती हूँ वी लिखने का। वैसे आप में से कौन लेफ्टी लेफ्टी है या लेफ्ट हैंड से लिख लेता है, मुझे जरूर बताइएगा, मैं तो नहीं लिख पाती, देखिए ऐसा मैंने लिखा। एंड चलिए, मैंने यहाँ पे फाइनली लिख लिया है वी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे, नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड गाइस, यहाँ पे हमने एक हाथ पे एन, एक हाथ पे वी, मतलब वैसलीन एंड मतलब निव्या लिख लिया। अब चलेंगे टेस्ट करेंगे, सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि हमारे हाथ पे नॉर्मल मॉइस्चर कितना है क्रीम लगाने से पहले एंड क्रीम लगाने के बाद, दोनों ही केसेस में हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या, ऑन किया, इस स्किन पे लगाया और ये हमारा स्किन पे ऑयलिंग प्लस आपके स्किन पे कितना मॉइस्चर है वो बता देगा। यहाँ पे देखिए 34, 36, मतलब 34 हमारा आया ऑयलिंग एंड 36 हमारा आया है मॉइस्चर। एंड इस तरह हम वैसलीन पे चेक करेंगे कि हमारे वैसलीन वाले हाथ पे कितना मॉइस्चर, मतलब दोनों हाथों का पहले हम मॉइस्चर टेस्ट करेंगे। इस पे भी आया 40 एंड 34 हमारा ऑयलिंग और मॉइस्चर। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे निव्या, निव्या को लगाएंगे अपने एन वाले हाथ पे, इस पर हमने एन मार्क किया था और निव्या एन मतलब निव्या, उस पर हम अप्लाई करेंगे थोड़ी क्वांटिटी लेकर, या फिर जितनी क्वांटिटी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी अपने हैंड पे लेकर इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ा सा ये ले लिया अमाउंट, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ले लिया क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे ही लगाते हैं, बॉडी लोशन नहाते हैं अच्छे से। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ड्राई स्किन होती है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लगा रही ताकि अच्छे से मेजर कर पाऊँ मैं चीज़ों को। एंड गाइज, आप कौन सा बॉडी लोशन प्रेफर करते हैं विंटर्स में, समर्स में लगाना, मुझे कमेंट
कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरूर बताएगा, और कोई मतलब कंपैरिजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे निविया लगा लिया, अब हम इस तरह वैसलीन वी वाले हैंड पे हम वैसलीन लगाएंगे। मैंने इसको राइट हैंड पे लगाया था, तो यहाँ पे देखिए वैसलीन हमने यहाँ पे लिया है और इसको मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपने हाथों पे अप्लाई करूंगी, अच्छे से अप्लाई करूंगी ताकि ये हाथ भी मॉइस्चराइज हो जाए अच्छे से ये हाथ हमारा। तो देखिए हमने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया, अब हम करेंगे देखिए हमने दोनों हाथों पे पहले हमने टेस्ट किया जब हमने क्रीम नहीं लगाई थी, अब हम टेस्ट करेंगे क्रीम लगाने के बाद कि हमारे स्किन पे कितना मॉइस्चर है और कितना ऑयलिंग है, दोनों चीज़ें हम अभी यहाँ पे टेस्ट करेंगे। अप्लाई हो गया, अब चलते हैं टेस्ट वाले प्रोसीजर पे। और गाइस आप कौन सा बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा आपके लिए बेस्ट है वो भी मुझे कमेंट के बताइएगा। तो देखिए हम यहाँ मेजर करेंगे, तो यहाँ पे निवे वाले हाथ पे हमारा है 44 and 21, यहाँ पे हमारा इतना ही मॉइस्चर आया है। एंड हम चेक करेंगे हमारा वैसलिन वाले हैंड पे, यहाँ पे वैसलिन में 43 and 26, तो यहाँ पे दोनों हाथ का अलग अलग मॉइस्चर और ऑयलिंग आया है। तो अब गाइज मैं इन दोनों हैंड को अपने ऐसे ही छोड़ दूंगी, नॉर्मल जो हम रेगुलर रूटीन रहता है हमारा, बस सोप को छोड़ के पानी नॉर्मल मैं इस्तेमाल करूंगी और दोनों हाथों पे हम ऐसे ही इसको क्रीम को रहने देंगे और रिजल्ट के तौर पे जानेंगे कि दोनों में से कौन सी क्रीम बेस्ट है, कौन सी अच्छी है, कौन सी लंबे टाइम तक हमारे हाथ पे रुकी रही, वो आखिरी में वीडियो में रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले यहाँ पे छोटी सी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं इस डिजिटल मॉइस्चर मॉनिटर का और जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हमारा जो मॉइस्चर मॉनिटर है काफी अच्छा है, जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग भी लगा। इससे मैं बहुत सारी वीडियोज आपके लिए क्या आऊंगी, बहुत सारे मॉइस्चर में, मॉइस्चराइजर में, चाहे वो फेस मॉइस्चराइजर हो, चाहे बॉडी मॉइस्चराइजर हो या स्किन का, मैं बहुत सारे मैं कंपैरिजन डेफिनेटली आपको शेयर करूंगी। ये है गाइड बुक जिसमें इस मॉनिटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे ओपन करना है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ में डिटेल बताई गई है। साथ ही साथ इसमें बताया है कि समर में, विंटर्स में कैसे स्किन होती है, स्किन का जो मॉइस्चर वो कितना रहता है, नॉर्मल कितना रहता है, एक्सेलेंट कितना होता है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें समर, विंटर्स और पतझड़ में अलग अलग स्किन मॉइस्चर और ऑयलिंग का दिया गया है, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है, तो इसमें सबका अलग अलग दिया हुआ है। वीडियो पॉज करके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारा मॉनिटर जिससे हमें चेक करना है अपने स्किन का मॉइस्चर, वो इस तरीके से दिखता है। एंड इसमें ऑन ऑफ के बटन है, पीछे बैटरी चलता है, बैटरी लगा सकते हैं, पेंसिल बैटरी लगती है इसमें। ऊपर इसमें सेंसर दिया हुआ है जिससे कि हम अपने स्किन का मॉइस्चर ऑयलिंग चेक करते हैं, इस पर प्रेस करके हमारी ये स्किन का मॉइस्चर बताता, देखिए इस तरीके से वर्क करता है। एंड यहाँ पे देखिए शो कर रहा है कि हमारे स्किन पे कितना मॉइस्चर है। एंड नाउ गाइज 24 आवर अपने हाथों पे सिर्फ नॉर्मल पानी मैंने अप्लाई किया, उसके अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं किया। अब हम चेक करेंगे, रिजल्ट की बारी आती है और देखेंगे कि कितना मॉइस्चर और हमारे ऑयलिंग हमारे हैंड पे रहता है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 और 41 यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि 25 हमारे स्किन पे मॉइस्चर और 41 हमारे स्किन पे ऑयलिंग आ रही है, जो कि पहले था 21 और 44 अप्लाई करने के बाद। एंड अब हम चलेंगे वैसलिन वाले पे चेक करेंगे उस पर कितना आता है। तो यहाँ पे हम वैसलिन वाले पे चेक कर रहे हैं, अब 24 मैंने नॉर्मल दोनों हाथ को नॉर्मल पानी के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, साबुन वबुन कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मल देखती हूँ कितने देर तक स्टे करता है ये मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे, हमने निविया चेक किया, अब वैसलिन चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 17.2 और 30.6 आ रहा है, 17 यहाँ पे आ रहा है हमारा ऑयलिंग और 30 हमारा आ रहा है स्किन की मॉइस्चराइजिंग। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं विनर होता है हमारा निविया। निविया आपके स्किन को लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज कर सकता है, तो इन सारों में से तो नहीं पर वैसलिन वर्सेज निविया में से निविया यहाँ विन करता है, जीतता है वैसलिन के मुकाबले। तो होप आज का ये कंपैरिजन और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लस आपको किस चीज़ में कंपैरिजन चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, ऐसे और भी अच्छे से कंपैरिजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।